फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है एकदम हरा भरा बथुआ ले लिया है और शाम को बनाऊंगी बथुआ के पराठे। और ये मेरी चाय और मैंने भोग भी लगा दिया। और फ्रेंड्स मैंने भोग भी लगा दिया। आज मैं जो है व्रत हूँ तो शुक्र का दिन है, तो चलिए फ्रेंड्स चाय ले लेते हैं भगवान जी की और फिर हम पी लेते हैं। और आज शुक्र का दिन है तो मैं व्रत रखूंगी शुक्र का और जोत लगाऊंगी। तो चलिए, और इधर जो है हरी सब्जी भी खानी चाहिए तो इस चाय को हम पी लेते हैं। सुबह ही मैंने यहाँ पर लहस वहस रख रखी है और चेक करी थी कौन सी लहस ज़्यादा बढ़िया रहेगी। और चलिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर अपना सूट सिला आज और दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी अभी सिया मैंने सूट, आधा कल सिला था शाम के समय और आधा मैंने आज सिल दिया है। और आज है वैलक्ष्मी की पूजा तो मैं लाल रंग का सूट पहनूंगी। ये मैंने साड़ी में से बनाया, मेरी सिफोन की साड़ी है और सिफोन की साड़ी बहुत दिनों से रखी थी तो मुझ पर कई हो रही है लाल, एक भारी में है एक हल्के में है, तो मैंने बहुत पहन ली। तो अब जो है ज्यादा पहनने की वजह से अब मेरा इसका मन नहीं था तो मैंने इसमें से सी लिया है सूट अपना। तो कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बॉर्डर लगा दिया है, समोसे की लहस लगा दी है और एकदम सूट हो गया बढ़िया सा तैयार। ये है हमारी बाजू, तो चलिए पहन को दिखाओ। तो फ्रेंड्स पहन के दिखाऊंगी आपको और लटकन भी देखिए इस तरह की। तो चलिए आज के ड्रेस हो गई तैयार हमारी। और ये है इसकी सलवार, सलवार के पहुँचे देख सकते हैं, ये इसके पहुँचे बनाए मैंने, ज़्यादा डिजाइन नहीं बनाया, हल्के से बनाए हैं। और देख सकते हैं मेरी साड़ी में से खूब भारी सलवार बन गई है। अंदर मैंने जो है अस्तर सलवार वाला दिया है क्योंकि मजबूत काम हो जाएगा इस तरह का। और इसी तरह का मैंने सूट में दिया हो क्योंकि सलवार सिफोन की है तो हल्की है। और इस तरह का मैंने यहाँ पर मेरे पास कपड़े रखे थे जो सलवार के आते हैं ना सूट के साथ, तो इस तरह के ऐसे कपड़े आ रहे हैं तो ये किसी काम के नहीं है, मतलब इसमें सलवार नहीं बन सकती। तो मैंने इसमें एक लगा दिया और एक लगा दिया, मेरे पहले रखा था उसे इसमें लगा दिया। सलवार तो मुझे मैंने पिछली साल ही बना ली थी सर्दियों में लेकिन पहन नहीं पाई क्योंकि सूट नहीं बन पाया था। और अब मैंने सूट भी तैयार कर दिया है, पिछली साल सलवार सिली थी तो ये मैंने रख रखी थी कि जब सूट बनाऊंगी जब पहन लूंगी, लेकिन बनी नहीं पाई क्योंकि बाहर की सिलाई करती हूँ तो हर बार रही जाती थी। लेकिन अब की बार मैंने सूट भी तैयार कर लिया इसके साथ का। तो आपको मतलब मेरा सूट कैसा लगा साड़ी के साथ, यानी साड़ी का सूट है ये, तो चलिए पहनकर दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहनकर दिखा दिया है, ये मेरा लाल कलर का सूट मुझे बहुत प्यारा लगा है। हाय फ्रेंड्स कैसे, हेलो फ्रेंड्स कैसे आप? आप सभी अच्छे होंगे। तो मैंने नहाकर ये वाला सूट पहना है, सूट आपको दिखने लगा, ये रहा सूट, ये है मेरा लाल रंग का सूट, ये इसकी सलवार और पंजाबी स्टाइल में बनाया है मैंने। और जो है मैंने नहा ली हूँ और आज है शुक्र। तो फ्रेंड्स आज है शुक्र, शुक्र का दिन और मैं हूँ वैलक्ष्मी की व्रत। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारी पूजा हो चुकी है खत्म, मैंने पूजा कर ली है फिर आपको जो है वीडियो में दिखाया है। तो चलिए फ्रेंड्स जय वैलक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमारे ऊपर भी बना रहे और आपके ऊपर भी बना रहे। तो इसी शुभकामना के साथ, बहुत जो है सुंदर व्रत होता है वैलक्ष्मी का, तो मैं बड़े दिल से रहती हूँ, मुझे अपनी लक्ष्मी जी बहुत प्रिय है। तो चरण स्पर्श कर लेते हैं और ये है हमारे शिव जी की जोत। तो चलिए शिव जी की जोत ले चलते हैं और प्यारी सी हमारी जो है वैलक्ष्मी माता की तस्वीर। और सारे भगवान जी कितने प्यारे लगते हैं और इनकी पूजा करने में भी बड़ा आनंद आता है। तो चलिए अब चलते हैं शिव जी महाराज की जोत लगाने के लिए। और आज मैंने नया सूट सिला है और मैंने पूजा भी बड़े दिल से कर ली है, पहले पूजा कर ली थी और उसके बाद जो है यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ, यानी मेरे ब्लॉग स्टार्ट है। और विवेक भी नहा लिया है, नाश्ता कर लिया इसने पराठे का और चाय के साथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम भगवान की जय। जय हो भोलेनाथ, जय हो प्रभु, सबसे जय हो। तो सुबह मैंने बिना नहाई ही चाय पी ली थी, तो फ्रेंड्स सुबह मैंने बिना नहाई चाय पी ली थी और अब जो है अभी चाय नहीं बनाऊंगी और बाद में बनाऊंगी चाय। और चलिए अब करते हैं शाम की तैयारी, बाकी काम सारे हो गए मेरे, झाड़ू पोछा चून मांड कर रख दिया है, आलू छोले की सब्जी रखी थी रात की बची हुई, आलू के पराठे के लिए आलू बाल कर रख दिए थे और आलू जो है छोले की सब्जी रखी है तो वो काम आ जाएगी क्योंकि मैं व्रत हूँ। और तनसक पापा खा कर नहीं गए, चाय पी कर गए, तो चलिए
अब करते हैं शाम की तैयारी, तो शाम को आपको दिखाऊंगी। और आपको ये मेरा सूट कैसा लग रहा है, इसकी मैंने वीडियो थोड़ी सी बना ली है, तो वो भी आप देख लेना। तो फ्रेंड्स, जो यहाँ पर 1 बज रहा है और 1 बजे बना रही बच्चों के लिए आलू के पराठे और छोले की सब्जी रखी है, आलू छोले की, तो वो खा लेंगे। और यहाँ पर ये मेरे पीछे से गला देख सकते हैं आप, इस तरह का सूट बनाया मैंने और सही में आज बढ़िया लग रहा है। गौरलक्ष्मी के दिन लाल रंग का सूट और लाल कपड़ा, हरा कपड़ा, इस तरह का कपड़ा या पीला कपड़ा पहनेंगे तो लक्ष्मी माँ बहुत प्रसन्न होती है, और लाल कपड़े में तो ज्यादातर होती है लक्ष्मी माँ प्रसन्न। तो मैंने लाल सूट सिल लिया अपने लिए साड़ी में से, और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं ना, अच्छा लग रहा है ना, इस तरह का आगे से बुकरम का गला और पीछे से भी बुकरम का गला और तनी लगा लिया। और बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ, फिर बनाऊंगी अपने लिए चाय। और चाय आज मैंने जब सुबह पी ना, 2 बार पी रही थी, तो फिर मैं इसलिए अब नहीं बनाई, मैंने कैंसिल कर दी। तो अब जो है शाम वाली चाय पीऊंगी जो शाम को बनानी है, क्योंकि अब सर्दी का छोटा दिन होता है तो भूख तो लगती नहीं ज्यादा, और जब मन शांत हो ना तो भूख वैसे भी कम लगती है। तो लक्ष्मी जी का जय लक्ष्मी माँ जो है मन के अंदर नाम लेती सुबह से ले रही हूँ, और इस तरह ही लेते हैं नाम, तो पूरा दिन जय लक्ष्मी माँ का रटन करते रहो। और किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, सबके बारे में अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि वह लक्ष्मी माँ का व्रत ना जब ही लगता है, तो किसी के बारे में बेफालतू की बातें ना करें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे टेस्टी से आलू के पराठे एकदम गरम गरम, और विवेक खा रहा है, तनिषा आकर स्कूल से खाएगी और फिर शांत भी आ जाएगा तो वो भी खा लेगा। बनाकर रख दूंगी और फिर बनाती हूँ अपने लिए चाय। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं शाम को कहानी के टाइम पर। और इधर जो है तनिषा भी आ गई है, और उधर जेठालाल चल रहा है क्योंकि उसमें हंसी आती है और जो है मनोरंजन भी रहता है, तो खुशी लगती है और चेहरे पे भी स्माइल रहती है, तो बड़ा अच्छा नाटक है। और इधर ये मेरी चाय, ये देखिए ये मेरी चाय, तो मैंने मूंगफली ले ली है चाय के साथ, क्योंकि जो है कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत चाहिए खाने के लिए, तो ये थोड़ी नमकीन है तो अच्छी लगती है चाय के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, चाय पी लेते हैं। और मैंने टॉप आउट लिया है क्योंकि अब थोड़ी सी ना ठंड हो गई है, तो चलिए। और ये है सर का सूट, इसलिए मुझे ठंड नहीं लग रही इसमें। रख दिए हैं और थोड़ा सा दूर रखा है कच्चा, और ये चाय है, भगवान जी शाम की भोग लगा लेंगे, शाम का समय है तो शाम की चाय है, तो चलिए हम भी पी लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आधा भाग अगली वीडियो में डालूंगी और कहानी की वीडियो भी डालूंगी।